हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आज के दिन आपको किस प्रकार से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और किस प्रकार से माता लक्ष्मी आपको मालामाल करने वाली हैं, आज के दिन आपको बताएंगे। आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहेगा और आपके घर में किस प्रकार से धन दौलत की वर्षा होंगी आपको बताएंगे। आज के दिन आपको कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक होंगे और कौन से वे कारक हैं, कौन से वे कार्य हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में सफलता को बहुत करीब से पा सकते हैं और आपको अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होंगे आपको बताएंगे। आज के दिन आपको अपने समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है, आज के दिन आपको बताएंगे कौन से सावधानियां आपको बरतनी आवश्यक रहेंगे और कौन से वे कारक हैं जो कि आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश कर सकते हैं आपको बताएंगे। आज के दिन आपके ग्रह गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से प्रभाव डालने वाले हैं आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए शुभ साबित होंगे। आज आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी विकसित कर सकते हैं। आज के दिन भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपको साथ मिल रहा है जिनसे आप कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करने में काफ़ी सफलता हासिल करेंगे और आपके सारे कार्य सही समय पर सफलतापूर्वक पूरे भी होंगे जिनकी वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होंगे और आपके घर वाले आपकी इज्जत करेंगे, आपके मान सम्मान में प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकेंगे। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि जो लोग विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ रहेगा। आज के दिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन आपको सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, शिक्षकों का सहयोग मिलेगा जिनकी वजह से अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी आज आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप किसी भी कार्य को करते समय लापरवाही ना बरतें, अपने कार्य पर फोकस करने की पूरी कोशिश करें। आज व्यवसायिक क्षेत्र में आपको नाम बनाने के, पैसे कमाने के और अपने इज्जत प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन यदि पैतृक संपत्ति के संदर्भ में कोई भी समस्याएं चल रही हैं तो उसका सौहार्दपूर्ण तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। इनसे भविष्य में आपको लाभ प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। आज आप कई कार्यों में व्यस्त रहेंगे और व्यस्तता के कारण आपके कुछ कार्य भी अधूरे रह सकते हैं और आपके परिवार वालों को आप पूरा समय न देने के कारण आपके परिवार में किसी प्रकार के खटास भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सा धैर्य रखकर अपने परिवार के साथ भी समय बिताने की कोशिश लगातार करनी चाहिए। यदि व्यवसाय या नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज के दिन आपको सफलता हासिल होंगे। आज के दिन आपको नए चीज़ों के बारे में जानकारियां हासिल होंगे जिनके कारण आप अपने समाज में अपने एक अलग से भी अलग पहचान बना सकोगे और पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगियों से भी आपको छुटकारा मिल सकते हैं। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्याओं से घिरे हैं या किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही हैं तो आज के दिन उन समस्याओं का समाधान पाने में आपको सफलता हासिल होंगे। आज संपत्ति या वाहन की खरीद या विक्रय आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। आज के दिन आपको इन संदर्भ में लिए गए फैसले का
अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे और आपको अपने समाज में अपने इज्जत पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने के मौके भी मिल सकते हैं। आज के दिन पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिवार में शादी या धार्मिक समारोह जैसे शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों को वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने ध्यान केंद्रित करने होंगे, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने होगा, जिनकी वजह से आपको लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं। आज के दिन कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि कार्यस्थल पर आप प्रदर्शन करेंगे और उत्साह के साथ काम करेंगे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किसी प्रकार की कोई नौकरी लेना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सफलता अवश्य हासिल होंगे। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, जिनकी वजह से आपको नाम कमाने के मौके भी मिल सकते हैं, पैसे कमाने के मौके भी मिल सकते हैं और इज्जत औरत पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी अवश्य होंगे। आज के दिन आपको बचत करने की विशेष कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बचत ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करवा सकता है, आपकी इज्जत को बढ़ा सकता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। मित्रों, आज के दिन जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। आज लेखन, साहित्य कला और जैसे इन रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपना नाम बनाने, प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आज के दिन आप किसी धार्मिक अथवा पूजा स्थल की यात्रा कर सकते हैं, जिनसे आध्यात्मिक शांति देने वाले और मनोरंजक यात्राएं भी रह सकते हैं। आप निवेश योजनाओं को लागू कर सकते हैं और कुछ अतिरिक्त प्रयास द्वारा अपने ऋण को चुका सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप निवेश योजनाओं को लागू कर सकते हैं और कुछ अतिरिक्त प्रयास द्वारा अपने ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से आपका दिन शुभ है। आप कई प्रकार के सुनहरे अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। रचनात्मक लोग जीवन में अच्छा करेंगे। आपके कल्पना और रचनात्मकता आपको प्रगति देने में मदद कर सकती हैं। आपके द्वारा अपने आप को अद्भुत और अनूठे तरीके से व्यक्त करना दूसरों को प्रभावित करेगा। आप दूसरों का अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकोगे। नई परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं और वित्तीय लाभ प्राप्ति का प्रबल संकेत मिल रहा है। शेयर में निवेश करने के लिए आपका समय अच्छा रहेगा। आप अपने शौक को विकसित करने के लिए एक स्वतंत्र रूप से समय का उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में यह आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। आज के दिन आपकी अधिकांश योजनाएं क्रियान्वित रहेंगे। आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। आप परिश्रमी बनेंगे। योजनाओं को सफल बनाने के लिए आप अपने सहकर्मियों का अधिकतम समर्पण पाने के लिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापारियों को मान सम्मान की प्राप्ति होंगे और आर्थिक रूप से आज आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आज संपत्ति या संप्रेषण के निवेश कर सकते हैं। छोटी यात्राएं, पारिवारिक छुट्टी के लिए यह समय आपका अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय अपेक्षा से अधिक आनंदमय होगा। सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी करने का विचार आपके मन में अस्पष्ट रूप से झलक सकता है। आज के दिन कामकाज को लेकर आपको थोड़ी सी भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। आप अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा लगाव रखने की जरूरत रहेंगे। आपके जो पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, वे आपकी अवहेलना करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर उनको देखने की कोशिश करनी होगी। आज के दिन देरी और बाधाएं कई प्रकार की चिंताओं का कारण बन सकती हैं। धैर्य रखें, क्योंकि समय इतना भी बुरा नहीं है जितना आपने इसे सोच रखा है। आप खुद को व्यवस्थित करेंगे और साहस के साथ चीज़ों का सामना करेंगे। आज के दिन नए संपर्क स्थापित कर सकोगे। दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा। आपका पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण रहेंगे। यात्राएं व्यवसायिक और आर्थिक संदर्भ में फायदेमंद साबित होंगे और कुछ के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ तनातनी हो सकती
हैं। आज आपको मिश्रित प्रभावों की प्राप्ति होंगी। इस समय आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, आप अनावश्यक जटिलताओं में फंस सकते हैं और आपको चल रही परियोजनाओं में बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने स्वयं के भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी हो सकती है। वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए आपको कुछ समय लग सकता है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ कर निर्णय लेने की जरूरत रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, आप अच्छे से कार्य करोगे, आपका दिन बेहतर बने। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों।